छिंदवाड़ा में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता हुआ लागू, किसे उतारेगी बीजेपी मैदान में। छिंदवाड़ा में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है। वहीं कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवार भी तैयार किए हैं। आइए बात करते हैं इस बार कौन उतरेगा मैदान में। नमस्कार, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। यहां कांग्रेस ने पर्यवेक्षक के माध्यम से उम्मीदवार चयन करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से अमरवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश प्रताप शाह मैदान में उतर सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले विधायक कमलेश शाह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा था और अब निर्वाचन आयोग ने 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान की तिथि निर्धारित कर दी है और इसके साथ ही 13 जुलाई को मतगणना भी संपन्न हो जाएगी। दरअसल छिंदवाड़ा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर कांग्रेस के कई प्रत्याशी तैयार हैं, लेकिन बता दें कि उम्मीदवार का फैसला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही करेंगे। बता दें कि भाजपा ने बहुत ही सोच समझ के साथ ऐसे नेता को प्रत्याशी बनाया जो छिंदवाड़ा में बीजेपी का परचम लहरा सके, लेकिन सवाल यहां यह भी उठना है कि क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कमलेश प्रताप शाह को बीजेपी इस बार मौका देगी। बहरहाल उपचुनाव के उम्मीदवार का फैसला चाहे जो भी देखना है, यह है कि छिंदवाड़ा में किसके सर सजेगा ताज और किसकी होगी जीत। ऐसे ही रोचक मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें।